नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव एडवोकेट ला एडवाइज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको लोन के बारे में कुछ आपके अधिकार बताना चाहता हूँ। जैसे बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन देती है, अगर आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, एक हो, दो हो, पाँच हो, ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, उस कंडीशन में क्या क्या आपके अधिकार हैं। जैसे आज मैं बात करूंगा इनसिक्योर लोन के बारे में। अनसिक्योर लोन जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन और पर्सनल लोन, और सिक्योर लोन, सिक्योर लोन वाला लोन जिसपे सिक्योरिटी जमा है कुछ, जैसे होम लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार का लोन हो गया, बाइक का लोन हो गया, कारखाना का लोन हो गया, तो किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी जमा रहेगी तो उसको सिक्योर लोन कहेंगे। और अनसिक्योर लोन वो लोन जिसपे, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ये अनसिक्योर लोन होते हैं। तो अनसिक्योर लोन में इसकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे, इसकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि आपका सिबिल ख़राब कर देंगे। अगर आपका एक बार सिबिल ख़राब हो गया, सिबिल की रिपोर्ट हर महीने आपको जाती रहती है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपकी सिबिल को अपडेट करती रहती है महीने महीने, अगर सिबिल ख़राब हो गया तो आपको भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। अनसिक्योर लोन तो एकदम ही नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, कभी मिलेगा नहीं उस कंडीशन में अगर आपका सिबिल ख़राब हो गया। अगर आपके पैसे, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे चुका दो, अगर आपके पैसे हैं तो इनके पैसे चुका दो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। जब आपके पास पैसे ही नहीं है तब कोई डर ही नहीं है, तब है ही नहीं तो क्या कर सकता है, तब तो बात ही ख़त्म। जब आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए, अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ कोई बात ही नहीं है, तब कुछ नहीं हो सकता, तब आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और लोन का लेना और लोन की ईएमआई न दे पाना कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता कि ये कोई अपराध है कि मैंने लोन ले लिया या फिर मैंने लोन डिफ़ॉल्ट कर गया तो ये कोई क्राइम हो गया, कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपके पास एक लोन हो, दो लोन हो, पांच लोन हो, 25 लोन हो, 25 लोन के 25 लोन ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई हो, सबकी दो दो पाँच पाँच सात सात ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई, तो भी ये आपके किसी भी प्रकार की क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। आप तो पहले बार ये दिमाग में रख लीजिए, लोन का लेना, लोन का डिफॉल्ट होना, ईएमआई का न दे पाना कोई भी अपराध नहीं है, हमारे संविधान में ये अपराध नहीं है। लेकिन आपको रिकवरी एजेंट इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले लेते हैं, ऐसा लगता है, बताते हैं आपको, आपको 7 साल की सजा हो जाती है, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगते हैं, आपको हाई कोर्ट के वकील बन के बात करने लगते हैं, आपको क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के बात करने लगते हैं, ऐसे ऐसे डराते हैं ऐसा कि आप उनको इस प्रेशर में आकर के किसी भी गलत, कई लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद कई लोगों को मैंने देखा कि वो सुसाइड तक करने की नौबत ये रिकवरी एजेंट ले आ देते हैं। उनको अपने अधिकार नहीं पता, वो उनके डर से, समाज में बेइज्जती के डर से कहीं उनको फ़ोन कर देते हैं, रिश्तेदारों को करते हैं, इतने साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले लेते हैं, वो आदमी हरास परेशान होकर के गलत कदम उठा लेता है जो कि बिल्कुल गलत है। और इस मैंने जहां तक देखा है कि अनसिक्योर लोन में चेक बाउंस, चेक तो देते ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं या फिर पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें तो हमने तो देखा नहीं कि चेक दिया जाता है, तो चेक तो दिया नहीं जाता है, तो चेक बाउंस का कोई बात ही नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड के लिए होता है तो कभी भी मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए केस नहीं किया किसी बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने, ज़्यादातर वो सेटलमेंट ही करना चाहते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के लिए अगर वो लोन केस कर देते हैं तो केस 30, 40, 45 साल तक, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 45 साल चले जाते हैं। तो 45 साल तक बैंक ऑफ एनबीएफसी कंपनियाँ चाहती हैं वो रिकवरी एजेंट से माध्यम से कैसे भी साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके आपको डरा के, हरास करके, परेशान करके आपको सेटलमेंट के तरफ ही ले जाते हैं, कैसे भी वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को सेटलमेंट ही करना चाहते हैं। इसलिए रिकवरी एजेंट किसी भी हद तक चले जाते हैं आपके पैसे आपको सुनने के लिए।
और मैंने देखा है कभी कभी वो चेक, मान लीजिए किसी ने चेक दे रखा है तो चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें कोर्ट की नोटिस आती है। तो कोर्ट की नोटिस को आप हल्के में मत लें, कोर्ट की नोटिस को बिल्कुल हल्के में मत लें। आपने एक बार नोटिस आया, दो बार नोटिस आया, तीन बार नोटिस आया, आपको बेल करा लेनी है, जमानत आसानी से हो जाता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दो बहुत होगा, आपको पेनाल्टी लगेगा, चेक बाउंस पे आपको पेनाल्टी लगेगा, अधिकतम 2 साल की सज़ा है इसमें, 2 साल की सज़ा है। जमानत भी आसानी से हो जाती है अगर आपके पास, देख लीजिए अगर नोटिस फेक नहीं है, अगर जेन्युइन नोटिस है, अगर जेन्युइन नोटिस है तो उस कंडीशन में आपको जमानत करा ही लेनी है। अगर नहीं जमानत करते हैं, एक बार नोटिस आती है, दो बार आती है, तीन बार आती है, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको जज साहब NBW इशू कर सकते हैं, NBW इशू कर देंगे। NBW इशू हो जाने के बाद पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, पुलिस आपके घर से आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आपको डाल देगी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चले जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि अगर आपका नोटिस जेन्युइन है, अगर NBW इशू हो गया है तो कोर्ट की अवमानना न करें, आप जा कर के जमानत करा लें। अगर आपको लोन के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क करिए, मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा, मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे आप, आपके क्या क्या अधिकार है, तो उसके लिए आप हमें संपर्क करिए। हमारा मोबाइल नंबर है 8707630268। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, 8707630268। इस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे डॉक्यूमेंट हमें भेज दीजिए, मैं उसको देख लूँगा, उसके बाद क्या होगा आपको पूरी उसकी माने पूरी जानकारी दे दिया जाएगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपके क्या क्या अधिकार है। आप हमसे संपर्क करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसको निःशुल्क निदान करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट यशवंत यादव, धन्यवाद।